तो देखे तो नहीं है, लेकिन पूर्वजों से सुना है, दादाओं से। जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन हुआ था, तो हम लोगों को पुनर्वास में यहीं पे चोपना में बैठा बिठाला गया था। तो उस समय कंडीशन बहुत खराब थी है कि, तो यही क्या ऐसा कि खाने के लिए कुछ भी नहीं थे। और ये जो अभी दिख रहे तालाब, खेती बाड़ी सब अच्छे तरह से हो रहा है, लोगों की रहन बसर अच्छी हो रहा है, लेकिन उस वक्त ऐसा हाल था कि मुश्किल से 2 महीने का धान खेत पे हो जाते थे, नहीं तो पूरे महीने भर ऐसे ही बिना, बहुत हालत खराब आप थे। कैसा रहन सहन है आप लोगों अब का? तो लोग अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने जो खेती बाड़ी को सुधार के अच्छे तरक्की की ओर ले जा रहा है, और आगे अब ठीक ठाक ही चल रहा है। वैसे युवाओं का पढ़ाई लिखाई कैसा है यहाँ पर है? जैसे हमारे पुनर्वास क्षेत्र में एक चीज ऐसा है कि जो लोग पढ़ाई लिखाई पे काफी ध्यान देते हैं। आपको जैसे अपने गांव में हर एक घर पे आपको ग्रेजुएट मिल जाएंगे, जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आगे खेती बाड़ी से पढ़ाई। नौकरी और विदेश? जैसे हमारे यहाँ पे ज्यादातर क्या, हम सामान्य वर्ग से आते हैं, तो जॉब उतने नहीं मिलते मिल पाते, तो ज्यादातर लड़के के कंपनी बाहर देखते हैं, और उससे फॉरेन कंट्री में जैसे एक्सरे लाइन है, आरटी लाइन है, बहुत सारे लाइन थे बाहर, सेंटिंग लाइन वगैरह, तो बाहर फॉरेन कंट्री में जॉब करते डब्ल्यूसीएल हैं। में भी लोग हैं WCL में भी है बहुत सारे। तो ये मतलब सब इस खेती से ही हुआ है। हाँ, खेती से, जैसे जुड़ खेती से जुड़ा है, बाप दादा मेहनत करके वही खेती से 2 पैसे जुगाड़ करके बच्चों को पढ़ाते हैं। और अच्छा, खेती के अलावा और कोई काम नहीं है नहीं, आपके पास? अपने इधर खेती के अलावा और कोई काम नहीं है। और युवा वर्ग जो है वो बाहर भगते हैं, सेंटरिंग वगैरह, बिल्डिंग वगैरह में। कभी ये जमीन बंजर हुआ करती थी, आज सोना उगल रही है। इस पुनर्वास केंद्र चौपना में 32 गांव ऐसे हैं जहां बंगाली समाज के लोग रहते हैं, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के विभाजन और भारत पाकिस्तान के विभाजन के दौरान यहां आए थे, और इनको यहां पुनर्वास किया गया इनका। जब इनको ये जमीन 5-5 एकड़ जमीन सरकार ने दी थी, तब ये जमीन बंजर थी, जंगल था, लेकिन इनके बुजुर्गों ने मेहनत करके इसे उपजाऊ बनाया। आज इस क्षेत्र में हर किसान के खेत में तालाब है, मछली पालन का काम कर रहे हैं, धान का कटोरा बना दिया है इन्होंने। तो निश्चित तौर पर आत्मनिर्भर भारत की ये एक हकीकत तस्वीर इस पुनर्वास केंद्र में देखने को मिल रही है।